नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आप सबों का स्वागत है मेरी दिलचस्प रसोई में। तीज के पावन अवसर पर मैं एक विशेष वीडियो लेकर के आई हूं कि तीज के पावन अवसर पे किस तरीके से पूजा की थाली सजाई जाती है और जो सास की थाली तैयार की जाती है वो कैसे तैयार की जाती है और इन सभी थालियों में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम पूजा की थाल तैयार करेंगे। पूजा की थाल तैयार करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं रोली डाल रही हूँ, जिसका कि पूजा में बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तीज के दिन माता पार्वती, भगवान शिव शंकर और गणेश जी की पूजा की जाती है। अब हम डाल रहे हैं चंदन। चंदन का भी आप सभी जानते हैं कि चंदन का भी बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। इन सारी चीज़ों को मैं थाल में इसलिए डाल लेती हूँ ताकि पूजा करते समय मुझे जो है सो सारी सामग्री आसानी से मिल जाए, उसे ढूंढने में मुझे कोई परेशानी नहीं हो। इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे हल्दी। तीज के दिन जो है सो माता पार्वती, भगवान शिव शंकर और गणेश की पूजा की जाती है, ऐसा तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ये पूजा कैसे की जाती है वो भी मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता देती हूँ। काला मिट्टी या फिर काली बालू से भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। अभी हम डालेंगे सिंदूर। सिंदूर जो है सो माता पार्वती को लगाया जाता है। इसी के साथ हम डालेंगे अक्षत। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि काले बालू या फिर काली मिट्टी से भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है और उसी प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो उसी पूजा में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। एक एक करके सारी चीज़ों से भगवान शिव शंकर, माता गौरी और गणपति जी की पूजा की जाती है। अब यहाँ पर डाला है मैंने लौंग, इलायची और कसैली। इसका भी पूजा में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। रात में शिव शंकर, पार्वती और फिर गणेश जी की पूजा होती है और सुबह में उठ कर के माता पार्वती की पूजा करके उन्हें पारण किया जाता है। पारण जो होता है सो तीज का पारण जो होता है सो खीरे से और खीर से किया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसी के साथ मैंने यहाँ पर डाला है कपूर, मौध, शक्कर। कपूर जो होता है सो आरती के समय काम आता है, इसलिए इसे भी पूजा की थाली में रखा जाता है। साथ ही मौध और शक्कर और गुड़ मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो होता है पंचामृत बनाने में किया जाता है। तो पंचामृत बनाने में इसके साथ साथ दो और चीज़ें लगती है, वो है दही और दूध। तो पंचामृत कैसे बनाया जाता है इसका भी मैंने अपने चैनल पर इसका वीडियो डाला हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही अभी मैंने डाला है बेलपत्र, धतूरा और कुछ फूल, जिसके बिना भगवान शिव शंकर की जो है पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके साथ मैंने रखा है यहाँ पे रोली। अब हम डालेंगे यहाँ पे आटा और हल्दी, इसका घोल बनाकर इसका लेप लगा। फलों को रखने के लिए मैंने यहाँ पर बांस की एक छोटी सी टोकरी ली है। यहाँ पे आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी फल डाल सकते हैं। विशेष रूप से तीज में मक्के का बाल और खीरा जरूर रखा जाता है क्योंकि मक्के के बाल का विशेष महत्व होता है। ये जरूर भगवान जी को चढ़ाया जाता है और खीरा इसलिए क्योंकि रात में भोग लगाने के बाद सुबह में खीरा खाकर ही पारण किया जाता है, इसलिए खीरा आप जरूर चढ़ाएं। बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी फल डाल सकते हैं। अब हम सास की थाल सजाएंगे। सास की थाल सजाने में यहाँ पर मैंने साड़ी लिया है, इसके साथ में सिंदूर, बिंदी, आलता, नेल पॉलिश, ये सारी चीज़ें जो कि औरतें अपने श्रृंगार में इस्तेमाल करती है वो सारी चीज़ें डालूंगी। एक एक करके आप देख सकते हैं कि मैं सारी चीज़ें को डाल रही हूँ। जब सुहागिन औरतें इस व्रत को करती है तो वो ये थाल सजाकर अपनी सासू माँ को देती हैं, लेकिन जब अविवाहित लड़कियाँ इस व्रत को करती है तो वो इस थाली के सामान को पंडित को दान में देती है। इसे देना पुण्य माना जाता है, इसलिए दान करना तीज में बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए अविवाहित या विवाहित कोई भी इस व्रत को करे वो दान जरूर देती हैं। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें मेन डालनी हैं जो कि सुहाग की मेन निशानियाँ मानी जाती है, जैसे कि सिंदूर, आलता, बिंदी और इसके साथ साथ मैंने मेहंदी के दो कोन भी डाले हैं क्योंकि तीज के विशेष अवसर पर जो सारी सुहागिनी औरतें हो या फिर अविवाहित लड़कियां हो वो मेहंदी जरूर लगाती हैं, तो इसलिए इसमें मेहंदी का भी रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। सो फ्रेंड्स, तीज का व्रत मैं कैसे करती हूँ और व्रत को करने में मैं किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
तो आप सबों को मेरी और मेरी दिलचस्प रसोई की तरफ से तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।